नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का वीडियो बहुत खास है, इसे पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिएगा। यही एक ऐसा चैनल है जहां ज्योतिष की विभिन्न विधाओं पर आपको जानकारी दी जाती है और ये मेरे 23 वर्षों के अच्छे खासे अनुभवों का नतीजा है कि मैं आपके किसी काम आ रही हूँ मित्रों। तो बिना देरी के परामर्श ज़रूर लीजिए। परामर्श पूरे साल चालू रहता है। जिनकी कुंडली नहीं है वो अपनी फ़ोटो दिखाकर परामर्श ले सकते हैं। आप रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं। आपको जब सब चीज़ जिसको बोलते हैं ना, गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, सारे उपाय कर हार गए हैं, तो एक बार रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग या लामा फेरा जरूर करवाइए। जिन पर ऊपरी बाधा है, जिनको काल सर्प दोष सता रहा है, जिनके घर पे ब्लैक मैजिक है, जिनको अपने घर में हर वक्त भय लगता है, ऐसे लोग जरूर लामा फेरा करवाएं। हम वास्तु पुरुष की हीलिंग करते हैं, आपके घर का वास्तु दोष दूर करते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी सामान के परिवर्तन के। थोड़ा बहुत सामान तो वैसे ही आपको बता देंगे कि भाई इधर से उधर रख दो, बाकी बहुत लंबा चौड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना पड़ता है और आप देखिएगा आपके जीवन में कितना चमत्कारिक परिवर्तन होने लगता है। आज की जो जानकारी है बहुत खास है और आपको ये चीज़ कभी सोची ही नहीं होगी कि एक बल्ब इस जगह लगा दीजिए और उससे आपकी किस्मत चमकने लग जाएगी। इसके अलावा बल्ब का एक खास उपाय भी आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मित्रों, यदि आपके घर में हर प्रकार से पैसे का संकट है तो दक्षिण दिशा में एक लाल रंग का बल्ब दिन में भी जला के रखिए और रात को भी जला कर रखिए। आपकी किस्मत का कायाकल्प हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, धन संपदा सब आने लग जाएगा, मान सम्मान भी आपको मिलने लग जाएगा। इसके अलावा आपको जो ग्रह परेशान कर रहा है उस ग्रह की दिशा में एक दीपक जरूर जला दीजिए या कोई बल्ब जला दीजिए, तो भी आपका भाग्योदय होने लगता है। इस पर मैं सेपरेटली वीडियो दूंगी, तो वो आप जरूर देखिएगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। इसके अलावा किसी खास विषय पर जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर आप कोई वीडियो चाहते हैं लेकिन वो होनी ज्योतिष से ही संबंधित चाहिए टॉपिक, उस पर भी मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। अब मित्रों, आइए दूसरी बात आपको बताती हूँ। आपके पूजा स्थान में यदि आप पीले रंग का बल्ब जला देते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाती है। पूजा घर में अगर आपका जो पूरब दिशा है वहाँ पर आपने पूजा घर बना रखा है तो वहाँ पर एक इंद्र देव की प्रतिमा जरूर रखें। आपके घर में इतना पैसा आने लग जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरब दिशा में सूर्य भगवान का एक चित्र या तांबे में बने हुए सूर्य देव जरूर स्थापित करें। सूर्य यंत्र भी स्थापित करने से समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने लगती है। इसके साथ ही साथ रविवार के साथ ऐसे व्रत कर लें जिसमें आप नमक ना खाएं और अनाज भी ना खाएं। फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स खा के, आलू वगैरह ये सब खा के आप व्रत कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाया जाता है, चाहे काला, चाहे सेंधा या सामान्य नमक, किसी प्रकार का नमक नहीं खाना है। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि यदि आपको लो बीपी की प्रॉब्लम है तो फिर आप ये व्रत ना करें, आप वैसे ही पूजा कर लें। अब चलिए और आपको खास बात बताते हैं। आपको जिस दिशा पर, अगर आपको मतलब आपका बिजनेस कामयाब नहीं हो रहा है, आपके घर का कोई कोना कटा हुआ है, तो वहाँ पर एक बहुत तेज लाइट वाला बल्ब जला दीजिए तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी और वो जगह भी आपकी जागृत होने लगेगी। अब एक ऐसी बात बता रही हूँ जो ना देखी ना सुनी होगी। अभी बारिश का मौसम है, सूर्यदेव प्राय कई बार दिखाई नहीं देते सुबह सुबह, ऐसे में आप अपने घर के बल्ब को ही, जी हाँ, अपने घर के बल्ब को ही सूर्यदेव समझकर उनके समक्ष बैठकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, जल अर्पित करें। सूर्यदेव को नीचे गमला रख लें, बल्ब के नीचे गमला रख लें और बल्ब को ही जल अर्पित करें और उनको सूर्यदेव का, देवता का स्वरूप मानकर ही उनका आह्वान करिए। आप देखिएगा किस तरह से आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगेगा। बल्ब के जो प्रयोग हैं बहुत ही चमत्कारी हैं और घर में संध्या समय पर लाइट जरूर जलानी चाहिए, सभी कमरों में बल्ब जलाना चाहिए। अगर आपके घर में बल्ब के लिए जगह तो बनी हुई है लेकिन वहाँ पर आपने बल्ब नहीं लगा रखा है तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को उत्पन्न करता है। जितने भी स्विच बोर्ड हैं, जितने भी स्विच वगैरह लगा रखे हैं और जिनके लिए बल्ब के लिए जगह मौजूद है, वहाँ सब जगह पर आपको एक ना एक बल्ब जरूर लगा के रखना चाहिए। उसको कभी भी खाली, होल्डर जो है कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो बालकनी है वहाँ पर भी लाइटें वगैरह संध्या समय अवश्य ही जलानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार के बाहर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए और वहाँ भी एक लाइट जरूर होनी चाहिए।